अस्सलाम वालेकुम, दिस सैयद काविश अली, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और अभी मैं जा रहा हूँ इस्कर्दू, और यहाँ पे हूँ अभी मैं पीर वदाई पे। इस्कर्दू आप जा सकते हैं, तीन चार तरीके इस्कर्दू जाने के। आप बाय एयर जा सकते हैं इस्लामाबाद से, इसके अलावा आप कोस्टर्स वगैरह जो चलती हैं वैसे जा सकते हैं, या तो आप जा सकते हैं नेटको की बसेस में या फिर फैसल मूवर्स में। और मुझे जो बेहतर लगता है यहाँ से, कार ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे पहले मैं फैसल मूवर्स में गया था तो उसमें मुझे काफ़ी वॉमिट हुई थी। अगर आपको वॉमिट वगैरह होती है तो आप भी बेहतर है कि कार को ही सेलेक्ट करें और कार में ही जाएं। और अभी का सीन ये है कि बस कार थोड़ी देर में निकलने वाली है, इंशाल्लाह हम लोग 14-15 घंटे में इस्कर्दू पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर आपको कार करनी है तो मैं आपको लोकेशन बताता हूँ कि आप किस तरफ से इस्कर्दू की कार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको मतलब मेन मतलब अड्डा ही है इस्कर्दू का ना, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पीर वदाई वाला एरिया है। अगर आप पीछे से पीर वदाई के आएँगे इस तरफ से तो फिर यहाँ पे आप आ जाएं, तो ये है जियो पाकिस्तान ट्रैवल। मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है इस वक्त। एक सवारी और आ जाए तो फिर हम निकलें इस्कर्दू के लिए। तीन जो सीट्स हैं वो हो चुकी हैं। मैंने की है फ्रंट सीट ताकि थोड़ा कंफर्टेबल रहे बंदा। मौसम चेक करें बस आप, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह निकलते हैं तो फिर आगे की आपको अपडेट देता हूँ। तकरीबन 3 घंटे इंतज़ार के बाद अब हम जा रहे हैं इस्कर्दू। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये देखें मौसम भी काफ़ी प्यारा है। बस अब हम निकल रहे हैं तकरीबन 10-15 मिनट में, फिर इंशाल्लाह आपको आगे का सफ़र दिखाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अभी हमारा सफ़र का जो आगाज़ है, एक घंटा हो गया है अभी हमें, और अभी हम पहुंच गए हैं हज़ारा मोटरवे। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, जस्ट जो है ना मौसम ना हो गया रेड बालाकोट। ये सूरत हाल है इस्लामाबाद से शाम तक की। तकरीबन हमें 4.5-4.25 घंटे हो गए और रेगुलर मतलब कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, एक मिनट के लिए भी नहीं रुकी है। अभी देखते हैं आगे कहाँ तक बारिश है। अभी हम यहाँ रुके हैं होटल पे खाना खाने के लिए। ये सूरत हाल थी बारिश की जब हम इस्लामाबाद से निकले थे। इस्लामाबाद, एबटाबाद, मानसेहरा, बालाकोट, बेशाम, दासू, कोहिस्तान, दियामीर, शिलास, मतलब ये सारे एरियाज जितने भी थे ना इस्लामाबाद से मतलब चिलास तक, यहाँ काफ़ी तेज़ बारिश थी। फिर तो उसके बाद जो जमलोड वाला एरिया है वहाँ पे सिर्फ बारिश नहीं थी। उसके बाद फिर जैसे इस्कर्दू पहुँचे फिर वहाँ से दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई। देर काफ़ी हो गई थी, तकरीबन 4 बज गए थे और वीडियोस वगैरह मैंने बनाई नहीं थी, बस जो रास्ते में ये जो वीडियो थी ये मैंने थोड़ी सी बना ली थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।